सब्सक्राइब कीजिए बाग बगीचा चैनल को और समय पर जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाग बगीचा में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडेनियम प्लांट के बारे में, जिसे डेजर्ट रोज बोलते हैं, और इसको किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हमें इसका सॉइल लेना है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है, तो सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि जब आप अगली बार कोई एडेनियम का प्लांट लेके आएँ तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें और उसमें से अच्छे अच्छे फ्लावर पा सकें। दोस्तों, एडेनियम प्लांट बेहद खूबसूरत प्लांट होते हैं, खासकर इसके बोनसाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इसमें लगने वाले जो फ्लावर हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं। कई सारे पैटर्न में होते हैं, सिंगल लेयर पैटर्न, डबल लेयर पैटर्न, इस तरह से कई सारे कलर में ये अवेलेबल होता है। लगभग 70 से भी ज़्यादा इसके कलर में फ्लावर खिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। एक तो इसका बोनसाई बहुत ही खूबसूरत होता है, उसके और उसमें लगने वाले जो फ्लावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जो कि प्लांट को चार चांद लगा देता है, जिस वजह से ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। शायद आप यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट देख रहे हैं इसलिए आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप गूगल पे जाके एडेनियम बोनसाई सर्च करेंगे और इमेज सेक्शन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एडेनियम बोनसाई दिख जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और अगर बात करें कि इसका नाम क्या है, ये आया कहाँ से और किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि इसका नाम एडेनियम है, जिसे डेजर्ट रोज़ बोलते हैं। डेजर्ट रोज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि डेजर्ट रोज़ का मतलब है रेगिस्तानी इलाके का गुलाब, और एडेनियम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एडेनियम इसका जीनस नेम है, जो कि अपोसिनेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है, और इसे सबसे पहले अफ्रीका और अरबियन कंट्री के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता था, और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता गया और अभी ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और अगर बात करें कि इसके एक पौधे से सैकड़ों पौधे किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप इसके कटिंग के जरिए पौधे तैयार कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है इसके सीड्स के जरिए आप इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद उसमें से हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। जो बड़े बड़े गार्डनर होते हैं, जो कि प्लांट को उगा के बेचते हैं, तो वो इसके सीड्स के जरिए ही इसके प्लांट को उगाते हैं और बाद में जाके उसे ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ग्राफ्टिंग के भी दो तरीके होते हैं, सबसे पहला तो वी ग्राफ्टिंग और दूसरा है इसका टैबलेट ग्राफ्टिंग, जो कि टैबलेट ग्राफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, तो मैं इसका ग्राफ्टिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तो इन दोनों चीज़ को कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए हमें किस तरह का सॉइल लेना है। तो चलिए अब हम इसके लिए सॉइल तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, एडेनियम प्लांट एक तरह का सेकुलेंट टाइप प्लांट है, इसलिए हमें इसके लिए चाहिए वेल ड्रेन सॉइल, और एडेनियम प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है बोनसाई सॉइल, तो इसलिए हम बोनसाई सॉइल तैयार करेंगे। तो बोनसाई सॉइल तैयार करने के लिए चाहिए कोकोपीट, परलाइट, बर्मिक्यूलाइट, इन सब चीज़ों को चाहिए। तो आई थिंक कि ये सभी के पास अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे घर में मौजूद सामानों से इसे तैयार करूँगा, जो कि सभी के पास अवेलेबल होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा सबसे पहले एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, और एक पार्ट सैंड ग्रेवल, जो कि रेत से छाने हुए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा कुछ नारियल के छिलके, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने बांट लिया है। और इन सब चीज़ों को लेने का कारण यह है कि हमारी जो बोनसाई सॉइल है वो वेल ड्रेन होगा, उसके अंदर पानी रुक के नहीं रहेगा। और उसके बाद लास्ट में मैं लूँगा एक पार्ट कंपोस्ट, तो यहाँ पे कंपोस्ट की जगह पे आप लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि काउडंग कंपोस्ट में नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा रहता है, जिससे आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेता हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चलिए अब हम इसे पॉट में भर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए कि आप एडेनियम के प्लांट को लगाने के लिए जितना बड़ा प्लांट हो आप उतना ही बड़ा पॉट लीजिए, मतलब कि छोटे प्लांट के लिए छोटा पॉट लीजिए, बड़े प्लांट के लिए बड़ा पॉट लीजिए। अगर छोटे प्लांट को बड़े पॉट में लगा देते हैं तो आपका प्लांट गल जाएगा। तो चलिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे छोटा पॉट लिया हूँ, लगभग 6 इंच का ये पॉट है और इसी में मैं इसको लगाऊंगा। तो चलिए अब हम अपने पॉट को भर लेते हैं इस बोनसाई सॉइल से, और उसके बाद हम अपने प्लांट को निकाल लेते हैं इस पॉलीबैग से। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये केवल नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है, क्योंकि गार्डनर लोग इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें प्लांट को केवल बेचना है, इसे ग्रो करने के बाद ये सेल कर देते हैं प्लांट को, इसलिए वो नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगा के रखते हैं। और बोनसाई सॉइल में अगर वो लगा के रखेंगे तो उसमें हर दिन पानी देना होगा, जो कि उन लोगों के लिए संभव नहीं होता है, इसलिए वो नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा के रखते हैं। तो इसलिए हमें इसका जो सॉइल है पूरा का पूरा सॉइल को हटाना होगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसको लगा के रखेंगे तो हमारा प्लांट कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा।
तो चलिए अब हम अपने प्लांट को पॉट में लगाते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि आपका एडेनियम प्लांट मोटा हो, उसका जो कॉडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसके जो रूट्स है केवल इसके रूट्स को ही मिट्टी के अंदर दबाइए और इसका पूरा का पूरा कॉडेक्स को बाहर रखिए। इससे आपका प्लांट का जो कॉडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होगा और ये बोनसाई शेप में आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इसे वाटरिंग कर देते हैं अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से वाटरिंग करने के बाद लगभग 2 से 3 दिनों के बाद ही हमें इसमें वाटरिंग करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं एडेनियम का बोनसाई, एडेनियम का प्लांट। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिला होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।